सबसे बड़ा दंगल, जहां डेढ़ घंटे से भी कम वक्त रह गया है और वोटों की गिनती शुरू होगी चार राज्यों में। इस तरह से दिखेगी आपको अपनी स्क्रीन पर, जिस तरह से अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर बाईं तरफ आपको हर तरह के फैक्टर, बीजेपी के दिग्गज और हर सीट पर, हर राज्य के हर क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे अभी आप बुंदेलखंड देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहां 26 सीटें हैं उनमें बीजेपी और कांग्रेस और अन्य में कैसे बटेंगी। ग्वालियर चंबल की 34 सीटें जो हैं अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कैसे बटेंगी, अभी 0-0 है। ये 8 बजे से गिनती जब शुरू होगी, पहले पोस्टल बैलेट की और उसके 20-25 मिनट बाद ईवीएम की, तो ये आंकड़े तेजी से आगे बढ़ना शुरू होंगे। दाईं तरफ ऊपर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बड़े चेहरे, वो कौन सी जगहों से लड़ रहे हैं, उन सीटों पर वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, आगे हैं, पीछे हैं, वो सब एक एक चेहरे के बारे में आपको दिखेगा चारों राज्यों के। याद रखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए, आज नतीजे सिर्फ 4 के आ रहे हैं, क्योंकि मिजोरम का नतीजा कल आएगा। 4 कौन से राज्य? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। या तेलंगाना जहां केसीआर की पार्टी की सत्ता थी, छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सत्ता है, जहां राजस्थान जहां कांग्रेस की सत्ता है और बीजेपी की सत्ता है मध्य प्रदेश में, जो पिछली बार कांग्रेस जीती थी लेकिन अब बीजेपी की सत्ता है। इनमें बीजेपी और कांग्रेस में राज्य कैसे बट रहे हैं ये आपको नीचे स्क्रीन पर भी वो भी दिखता रहेगा। इसके अलावा हमारे साथ यहां एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे न्यूज रूम में, यहां इलेक्शन स्टूडियो में एक्सपर्ट्स इस पूरे स्कोरबोर्ड को देखेंगे। इस पूरे स्कोरबोर्ड में हर राज्य का अपना एक स्कोरबोर्ड है, जिसमें उस स्कोरबोर्ड में उस राज्य की में कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले रही है वो आ रहा है, उसमें कौन से चेहरे जो हैं उनकी क्या स्थिति है वो लगातार आता रहेगा। जैसे ये मध्य प्रदेश 230 सीटें, बीजेपी अभी 0 दिखा रहा है, कांग्रेस 0 दिखा रहा है, अन्य 0 दिखा रहा है, ये कैसे बट रहा है वो दिखेगा। फिर उसके क्षेत्र मध्य प्रदेश मालवा निमाड़ की 66 सीटें वो बीजेपी और कांग्रेस में कैसे बटेंगी, विंध्य प्रदेश की 30 सीटें बीजेपी और कांग्रेस में कैसे बटेंगी, ये यहां पर आंकड़ा बढ़ता रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों के बारे में भी, ग्रामीण इलाके 194-230 में से ग्रामीण सीटें हैं, उन ग्रामीण सीटों में बीजेपी और कांग्रेस में कैसे बट रही हैं, 36 सीटें शहरी सीटें हैं, 47 सीटें आदिवासी फैक्टर वाली सीटें हैं, ये सब आपको साफ दिखेगा। फिर मध्य प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं जैसे ओम प्रकाश सकलेजा, कैबिनेट मंत्री जो हैं जावद से मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं दिमनी से, इस बार चुनाव मैदान में उतारे गए हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी। अरविंद भदौरिया कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी के अटेर मध्य प्रदेश से, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद फिर इसी तरीके से छत्तीसगढ़, जहां बीजेपी कांग्रेस और अन्य में कैसे बट रहा है, और यहां पर आदिवासी 33 सीटें हैं उनमें क्या हो रहा है। यहां के बड़े चेहरे जो हैं छत्तीसगढ़ के, गिरीश देवांगन जो हैं जैसे राजनांदगांव से रमन सिंह को चुनौती दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री को, उनकी सीट पर क्या हो रहा है ये यहां पर आएगा। इसी तरीके से यहां पर राजस्थान के पूरे नतीजे आएंगे पार्टी वाइज, फिर वहां के अलग अलग इलाकों के, बिकाणा के, मेवाड़ के, बिकाणा की 23 सीटें आप देख रहे हैं, मेवाड़ के भी आप 28 सीटें जैसे स्कोरबोर्ड पर देख रहे हैं। फिर यहां के बड़े चेहरे प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइन्स जयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, सिविल लाइन सीट से, महंत बालकनाथ तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा सांसद हैं और कई लोगों का तो कहना है कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो मुख्यमंत्री की रेस में भी रहेंगे। भरतपुर राजघराने के राजा विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं डीग से, और आरएलडी के सुभाष गर्ग को इस बार चुनाव लड़ रहे हैं भरतपुर से। उधर जगत सिंह, नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह नदबई से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सारे चेहरे एक एक करके आते रहेंगे। इसी तरह से यहां पर तेलंगाना की 119 सीटों का हाल, बीआरएस, कांग्रेस प्लस, बीजेपी प्लस, एमआईएम और अन्य में कैसे बट रही हैं। फिर तेलंगाना के बड़े चेहरे ई राजेंद्र जो है, इटाला राजेंद्र बीजेपी से लड़ रहे हैं, पहले साथी थे केसीआर के गजवेल से, और गजवेल से अब केसीआर को चुनौती दे रहे हैं, केसीआर जो मुख्यमंत्री हैं वो गजवेल से चुनाव लड़ रहे हैं और कामरेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 सीटों से केसीआर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना के अलग अलग इलाके, ग्रामीण इलाके 75 सीटें हैं 119 में, वो कैसे बट रही हैं, ये सारा स्कोर यहां आता रहेगा। शहरी इलाके 44 सीटें हैं वो कैसे बट रही हैं, ये स्कोर यहां पर आता रहेगा और इसके हिसाब से, इसी आधार पर यहां पर एक्सपर्ट्स रहेंगे जो विश्लेषण करते रहेंगे। इसके अलावा जिलेवार नतीजे भी यहां पर पूरे एक के बाद एक आपको दिखा यहां पर स्कोरबोर्ड पर दिखते रहेंगे।